और अजीत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां बीजेपी कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है। मतगणना को लेकर की जा रही है समीक्षा बैठक। सीएम शिवराज, सुभाष भगत, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस बैठक में शामिल हैं। सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में चल रही है बैठक बीजेपी कार्यालय में। तो ये महत्वपूर्ण बैठक जहां मतगणना को लेकर की जा रही है समीक्षा बैठक। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। नीरज, मतगणना को लेकर कुछ ही समय शेष रह गया है और यकीनन दोनों ही पार्टियां इसको लेकर काफी उत्साहित भी नजर आ रही हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है, क्या कुछ एजेंडा इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी कार्यालय में बैठक है जो शुरू हो चुकी है, जिसमें जो अध्यक्षता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, साथ में सुभाष भगत मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद है। वहीं 20 जिलों के जो जिला अध्यक्ष है उनको इस बैठक में बुलाया गया है और साथ में जो सेक्टर प्रभारी थे, बूथ प्रभारी थे, उनको भी यहाँ बुलाया गया है। हालांकि जो चुनाव में किस तरह से मतगणना हुई, ये सारा जिलों का जो फीडबैक यहाँ पर लिए जाने की कोशिश आला नेताओं के द्वारा की जा रही है। तो एक फीडबैक मिलने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी अब बता पाएगी कि किस तरह की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि सारे जिला अध्यक्षों से जो है फीडबैक लिया जा रहा है। साथ में अब मतगणना जो है 10 तारीख को होनी है, उसकी भी किस तरह से तैयारियां की जा रही है, कौन मतगणना स्थल पर मौजूद रहेगा और उसके लिए भी रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक है, जहाँ सुभाष भगत, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता नेता वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से मतगणना को लेकर समीक्षा बैठक है नीरज, कांग्रेस ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए, अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पर मुस्तैद कर रखा है, क्या लगता है आज की बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा इस समीक्षा बैठक के बाद? जी बिल्कुल, देखिए ये जो बैठक है, एक तो पूरे जिला अध्यक्ष जो है बैठक में मौजूद हैं, उनसे वन टू वन चर्चा सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं और उनके जो जिले की क्या स्थिति रही, जिन जिलों में उपचुनाव हुए हैं वो जानकारी उनसे ली जा रही है, बूथ मैनेजमेंट किस प्रकार का रहा ये सारी जानकारी ली जा रही है, कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को मिला है, कितने प्रतिशत वोट कांग्रेस को गया है, कहीं ना कहीं इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ में यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस मतगणना को लेकर शुरू से ही सवाल या निशान खड़े करती आई है। अभी जो है विवेक तन्खा ने एक पत्र निर्वाचन आयोग को लिखा है, जिसमें 7 वर्ष से जो अधिकारी है उन पर आरोप लगाया है कि वो एक मोबाइल लेकर मतगणना स्थल के अंदर ना जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मतगणना होगी उसकी लाइव टेलीकास्टिंग करवाई जाए। इस प्रकार का एक जो आवेदन कांग्रेस ने अभी निर्वाचन आयोग को दिया, तो कहीं ना कहीं इस बीच अब मतगणना 10 तारीख को होनी है और मतगणना के बाद जो परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं जब ये बताएंगे कि सरकार अब किसकी बननी है। जी बिल्कुल, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक समीक्षा बैठक मतगणना को लेकर की जा रही है बीजेपी कार्यालय में। बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बैठक शुरू हो चुकी है, 20 जिलों के अध्यक्ष विधानसभा बीडी शर्मा भी वहां मौजूद हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में क्राइम ब्रांच और लसूडिया पुलिस ने मिलकर